Everybody sing that shit. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन ट्रिक्स नोफर्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप वन क्लिक के अंदर अपने फोटोज को क्रिएटिव फोटोज बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, अलग अलग इफेक्ट देख सकते हैं, अलग अलग पोस्टर बना सकते हैं, अपने के फोटो के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको बड़ा मजा आने वाला है। वो कैसे करना है, वो कौन सी एप्लीकेशन है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है। तो दोस्तों, समझ नहीं कर रहे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है क्रिएटिव फोटो पोस्टर। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक कैमरा का ऑप्शन मिलेगा और एक मेनू का ऑप्शन मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो टाइटल वाला ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से गैलरी से कोई भी एक फ़ोटो चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से गैलरी से कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है, कोई ऐड आती है उसको क्लोज कर देना है। तो आपको यहाँ से फ़ोटो को कुछ इस तरीके से जूम इन करना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए फ्रेम्स, टेक्स, स्टिकर्स और सेव। तो हमें यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी फ्रेम्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे अपना पोस्टर यहाँ से कुछ इस तरीके से एडिट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फोटो लग रही है ज़बरदस्त और कमाल की लग रही है। वापस यहाँ पर मैं दूसरी फ्रेम करके दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेम्स बन चुकी है, और भी फ्रेम है यहाँ पर। आपको सिंपल अपना फ्रेम में फ़ोटो सिलेक्ट करना है और यहाँ से कुछ इस तरीके से उसको जूम इन जूम आउट करना है और सेट करना है फ़ोटो। तो वन क्लिक के अंदर आपकी फ़ोटो यहाँ पे रेडी हो जाती है। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल इतना ही आपको यहाँ पे फ्रेम में अपना फ़ोटो सिलेक्ट करना रहता है, देख सकते हैं आप। और भी फ़ोटोज हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। फ्रेम में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे और भी फ़ोटोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको बड़ा जूम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, आपको यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर स्टिकर लगा सकते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली फ़ोटो को सेव कर सकते हैं, सिंपल। तो दोस्तों, एप्लीकेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट में वापस मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।